सभी को सादर नमस्ते। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम बात करने वाले हैं पित्त प्रकृति के जो भी समस्याएं होती हैं, किस प्रकार होती हैं और कौन कौन सी समस्याएं खास करके इन्हें होती हैं, और इसका क्या समाधान है, यानी कि उनकी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए जिससे पित्त संतुलित रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पित्त है किन दो महाभूतों से मिलकर बना है, जल तथा अग्नि। दोनों के एक बराबर रेशियो में मिलने से पित्त का निर्माण होता है, और इसके जो गुण हैं वो खास करके उष्ण यानी गर्म, तीक्ष्ण तीखा है, लघु है, हल्का है, शार्प तेज है, इसके ये मुख्य मुख्य गुण हैं। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि इसका जो मुख्य गुण ही है गर्म, यानी कि गर्म तीखा उष्ण शार्प। तो इस कारण से इसमें जो गुण आएंगे यानी कि इसके जो रोग आएंगे इसी वजह से आएंगे, जैसे गर्मी के कारण होने वाली समस्या आएंगी, इन्हें इन्हें तीखेपन के कारण होने वाली समस्या आएंगी, लघुता यानी हल्केपन के कारण जो भी समस्या उत्पन्न होगी इनके अंदर वो पाई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके समस्याएं कैसे कैसे होती हैं पित्त के कारण, अधिकता के कारण, पित्त की विकृति के कारण। तो सर्वप्रथम आते हैं गर्मी। तो गर्मी के कारण हम जानते हैं कि जलन होती है शरीर में, तो पित्त वालों की यही समस्या रहेगी कि जब जब पित्त बिगड़ेगा या फिर अधिकतर पित्त इनका अधिक रहेगा तो शरीर में जलन होगी, किसी भी अंग में हो सकती है, पूरे शरीर में हो सकती है, इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर होंगे इनको, इनको सूजन रहेगी शरीर में, कहीं भी हो सकता है वो सूजन, किसी एक प्रमुख अंग में भी हो सकता है। जो आजकल कॉमन चल रहा है कि गर्मी के कारण, पित्त के कारण इनके जो बाल हैं समय से ही मतलब युवा अवस्था में ही पक जाएंगे, झड़ जाएंगे, पित्त वालों के साथ ऐसा अक्सर होता है, और इनके शरीर पे झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं क्योंकि उष्णता होती है, पित्त शरीर को जलाता है। तो शरीर एक समय तो काफी इनकी त्वचा रेड या गुलाबी या गोरे रंग की होती है, लेकिन धीरे धीरे जवानी के बीच में ही यानी कि 30-35 साल की उम्र में ही जल्दी से इनके शरीर पे पित्त के प्रकोप के कारण झुर्रियां पड़ने लगती हैं। शरीर में जो तिल होते हैं जगह 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 छोटे 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 काले तिल वो दिखने लगते हैं, ये पित्त के कारण ही होता है। ये जो गर्मी है, गर्मी पित्त की गर्मी के कारण मुख्य मुख्य समस्याएं हैं। तो सर्वप्रथम गर्मी का समाधान हम ढूंढेंगे, यानी कि जो ये समस्या जो हो रही है, जो क्राइटेरिया हमने देखा, बाल झड़ना, बाल पकना, जलन होना, इन्फ्लेमेशन होना और अपने झुर्री आना शरीर में कहीं भी चमड़ी में, तो ये गर्मी के कारण है। तो गर्मी का समाधान है जो पित्त का शमन करे, यानी कि पित्त तो गर्मी के कारण ही है ना, पित्त का शमन करे, गर्मी का उसका जो शमन करता है वह होता है, सबसे अच्छा माना जाता है आयुर्वेद में, और एकमात्र औषधि घी है। घी जो आजकल चलता है ट्रेंड की कैलेस्ट्रॉल और फैट ये बहुत ज्यादा होता है, एक चम्मच घी नहीं छूता व्यक्ति आजकल, आज के समय में तो एक चम्मच घी खाने की कोशिश नहीं करता, उसके अंदर गलत फहमी और गलत भय डाल दिया गया है कि जो देसी गाय का गोवंश का जो घी होता है उसके अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं होती। यह हमें बदनाम करने के लिए ही हमारी जो ये पीढ़ी है, जो पुराने समय से हमारे पूर्वज हैं, ऐसी ऐसी उत्तम चीजें लेके आए हमारे लिए, उन्होंने संजो के रखा, लेकिन यह पाश्चात्य सभ्यता ने से बदनाम किया। जैसे ही छोटा सा उदाहरण, कोलगेट इत्यादि की जगह हम पहले राख, हल्दी, नमक इन सब से मंजन किया करते थे, लेकिन फिर इन्होंने बदनाम किया और कहा कि इसमें कुछ नहीं है, ये हमारा कोलगेट करिए ऐसे वैसे। आज भी इनकी ये अपनी औकात पे आ गए हैं और ये भी कोलगेट में नमक बताते हैं, हल्दी बताते हैं, चारकोल पता नहीं क्या क्या, तो ये तो हम सब पहले से ही किया करते थे। ठीक इसी प्रकार गाय के घी के साथ भी है, ये घी को छुड़ा के हमें रिफाइंड पे ले गए, लेकिन आज सबके सामने से कहते हैं कि रिफाइंड कितना कारगर है, वापस हम कच्चे तेल यानी सीधे तेल पे हम आ गए हैं, सीधी घानी से निकला कोई भी तेल हो, सरसों हो, नारियल हो, तिल हो, इन सब में भोजन को आज अच्छा माना जाने लगा है रिसर्च के अनुसार। तो ऐसा ही है घी के साथ भी। तो आइए ये विषय अलग है, हम इस पर बात करते हैं। जो घी है ये गर्मी को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। और क्या, दूध, दूध को आयुर्वेद में जो प्रकृति है दूध की वो शीतल मानी जाती है,
स्निग्ध और शीतल, ठंडा और स्निग्ध माना जाता है, तो गर्मी को खत्म करने के लिए भी बहुत कारगर है। और एक चीज है मक्खन, मक्खन जो हम दही को बिलो के निकालते हैं उसे ही मक्खन कहा जाता है। ऐसे नहीं कि मलाई ऊपर से हटा ली और इकट्ठा कर लिया, वो उसकी कोई गुणवत्ता नहीं होती है। तो जो मक्खन है वह बहुत ही अच्छा माना जाता है पित्त के शमन के लिए, गर्मी के नाश के लिए। तो ये गर्मी से होने वाले जो डिसऑर्डर थे उसके बारे में हमने ये देखा कि उसके विपरीत में हमें क्या करना चाहिए गर्मी को खत्म करने के लिए। शुद्ध देसी गाय का घी, मक्खन और दूध का प्रयोग करना चाहिए खास करके। बाकी जो परिवेश के अनुसार चीजें हैं उनमें भी बदलाव करना चाहिए। जैसे हमें ठंडे स्थान पे रहना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में, जो दोपहर की या बहुत कड़ी धूप होती है उसमें पित्त वालों को नहीं निकलना चाहिए। और उसमें भी गर्म चीजों का सेवन करके धूप में बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो गर्मी यानी सोने पे सुहागा का कार्य करता है, बहुत अधिक गर्मी शरीर में बढ़ा देता है। और इसी प्रकार से उन्हें ठंडे परिवेश में रहना चाहिए, मतलब ठंडी जगहों पर रहने का प्रयास करना चाहिए, या फिर किसी ऐसे कारखाने में कार्य करते हो जहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, तो वहाँ यथासंभव उन्हें बच के ही गर्मी से रहना चाहिए। और हो सके तो ऐसी जगह पे कार्य करें जहाँ उनके अनुकूल वातावरण हो, ठंडक हो। और दूसरी बात हम करते हैं, इसका जो एक गुण था गर्मी, दूसरा इसका एक गुण है शार्प यानी तीक्ष्ण, तीखा। तो इस तीखेपन के कारण इनको जो समस्याएं होती हैं उसमें एक है जैसे खून निकलना शरीर के किसी भी द्वार से, यानी मल द्वार हो गया, मतलब चमड़ी हो गई, खुजाते खुजाते कई बार खुजली, खुजली भी इसमें तीखेपन में समस्या है। कई बार इतना खुजाते खुजाते शरीर की चमड़ी में से खून आ जाता है, तो ये भी शार्पनेस के कारण होता है। ये शरीर में जहाँ मतलब पेट के पाचन पाचन में भी समस्या होती है इससे। तो इस शार्पनेस को खत्म करने के लिए यानी इस तीखेपन को खत्म करने के लिए एक अच्छी, बहुत ही अच्छी औषधि है, त्रिदोष नाशक है। हालांकि वो तीनों ही दोषों के लिए अच्छी है, लेकिन पित्त में खास करके आंवला, आंवला का जो प्रयोग है बहुत ही अच्छा माना गया है पित्त के लिए, खास करके पित्त के लिए। तीनों के लिए सही है ये, लेकिन पित्त वालों को अवश्य करना चाहिए। इस शार्पनेस जैसे जुड़ी जो समस्या है यानी कि शरीर के किसी भी द्वार से खून निकलना, रक्त पित्त की जो बीमारियां होती हैं, तो और खुजली, खाज, और इतना खुजाए कि मतलब कई बार लोग खुजाते खुजाते पागलों की तरह खून निकाल देते हैं चमड़ी से, तो इस प्रकार की समस्या है रक्त पित्त दोष जो है उसके कारण जो होने वाली समस्या है। तो उसके लिए आंवला, आंवला एक बहुत ही अच्छी औषधि है, त्रिदोष नाशक। आंवला का सेवन हमें किसी भी रूप में पित्त वालों को अवश्य करना चाहिए, किसी भी रूप में आंवला 12 महीने खाना चाहिए उनको। हाँ, आंवला एक रसायन है, ऐसा रसायन है जो कि सभी को खाना चाहिए, वात पित्त कफ तीनों को, लेकिन पित्त कर खास करके, क्योंकि शार्पनेस की समस्या को कम करता है। अनार, अनार भी एक ऐसी ही औषधि है जिसका प्रयोग सीजनल तौर पे ही करना ही चाहिए। जब जब सीजन हो अनार का, तब तब किसी न किसी रूप में अनार को लेना ही चाहिए। एक और समस्या है पित्त वालों के साथ कि इनके सिर में सड़न बहुत होती है गर्मी के कारण। आपको पता है कि कोई भी चीज़ गर्मी में अधिक देर तक नहीं टिकती, और सर्दी में काफ़ी ज़्यादा समय तक टिकती है, क्योंकि गर्मियों में रिएक्शन बहुत तेज होती है। इस कारण से इनके अंदर सड़न बहुत होती है, पसीना बहुत आता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए इनको सुगंधित चीजों का प्रयोग करना चाहिए, लेप का प्रयोग करना चाहिए, जैसे चंदन का लेप, कपूर का लेप, और सुगंधित द्रव्य तथा सुगंधित फूलों का प्रयोग करना चाहिए। साथ में अपने आसपास परिवेश में इन सब फूलों को गमले इत्यादि में लगा के रखना चाहिए, जो कि अपने जेब में या फिर अपने साथ रखें इन फूलों को। आजकल के डिओड्रेंट और इन सब चीज़ों का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इन सबसे काफ़ी खतरनाक रोग भी होते हैं, ये आजकल की साइंस रिसर्च कहती है। तो सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें, द्रव्य का उपयोग करें, लेप लगाएं हल्दी चंदन का, इन सबसे काफ़ी निजात मिलता है पसीना में और बदबू में। और फिर इनका अगला जो गुण आता है लघुता, लघुता यानी कि हल्कापन। हल्केपन के कारण जो इन्हें समस्याएं होती हैं, जो पित्त प्रकृति के हैं वो कुछ भी पचा लेते हैं, कितना भी जो प्योर फॉर्म में पित्त प्रकृति का होगा, कितना भी भारी भोजन हो,
यानी कि जो एक कहावत कहते हैं कि पत्थर को भी कंकड़ पत्थर को भी पचा लेने वाली जो बात होती है वो पित्त वालों में होती है। यानी कि 2-4 घंटे लगते हैं कुछ भी खाया पिया हो, कितना भारी से भारी वो पाचन कर लेते हैं उसका। तो इसी कारण से जो इनको रस रस हैं, जो 6 रस हैं हमारे आयुर्वेद में, उनमें से कड़वा, कसैला और मीठा, ये 3 रस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनमें लघुता होती है, हल्कापन होता है। हल्कापन का विपरीत क्या है? भारी। तो भारी भोजन करना चाहिए, भारी चीज जो भी मतलब पचने में भारी हो का प्रयोग करना चाहिए। और जो 6 रस हैं इनमें से प्रमुख तौर पर इन 3 रसों का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा? कड़वा, कसैला। कसैला जैसे कि त्रिफला आपने लिया होगा तो वो शुरू में स्टार्ट में कस्सा लगता है, कस्सेपन का स्वाद, जो मुंह ऐसे भरा भरा सा लगता है वो स्वाद होता है कसैला। कड़वा समझते होंगे नीम इत्यादि, तो उसके दातुन भी करनी चाहिए, नीम की उसका सेवन भी करना चाहिए। और मीठा, मीठा रस भी इनके लिए अच्छा है क्योंकि वह भारी है, गुरु गुरु है प्रकृति में। तो लघुता के रोगों को, लघुता के कारण जो होने वाली समस्याएं हैं इससे समाप्त हो सकती हैं। और जो दिनचर्या में है इनको क्या रखना चाहिए कि दिनचर्या में अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पित्त भड़कीला स्वभाव होता है पित्त का। तो ज्यादा भड़कदार चीजों के साथ नहीं रहना चाहिए, यानी जैसे जो उग्र स्वभाव के पहले से ही है या उग्र माहौल है जहाँ वहाँ हमेशा नहीं रहना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। अकेलेपन में भी कुछ समय निकालना चाहिए। और सबसे अच्छा है शांत रहने के लिए मतलब जो मेडिटेशन है बहुत ही कारगर है पित्त वालों के लिए, क्योंकि उग्र स्वभाव को शांत करने के लिए मेडिटेशन एक अच्छी प्रक्रिया है। और आसन इत्यादि भी करें तो ज़्यादा कूद फान वाले नहीं, शांत वाले, जैसे शवासन, कोई मुद्रा हो गई, प्राण मुद्रा, इस प्रकार की मुद्रा करनी चाहिए। और शांति से लेटने वाला शवासन हो गया, इस प्रकार का आसन करना चाहिए जिससे शरीर में स्थिरता आए। सीधी सी बात है, शरीर में स्थिरता लानी है क्योंकि पित्त भड़कीला है, तो हमें और भड़काना नहीं है। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए पित्त वालों को, बहुत अधिक परिश्रम शरीर से नहीं करना चाहिए जिससे पित्त भड़के, क्योंकि पित्त भड़केगा तो रोग उत्पन्न करेगा। ऐसे ही इनको मतलब संगीत भी है तो मधुर संगीत सुनना चाहिए, शांत मधुर संगीत, खुद से भी बजाना भी चाहिए तो शांत मधुर संगीत, बांसुरी हो गई, शांत धुन हो गई कोई, तो इस प्रकार की चीजें इन्हें करनी चाहिए। साथ में सीधी धूप में कभी नहीं रहना चाहिए, परहेज लायक ये चीजें हैं कि इनको सीधी तेज धूप में कभी नहीं रहना चाहिए, गर्म स्थान पे कभी नहीं रहना चाहिए, बहुत बच के रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। और भड़कीले स्थान पे भी नहीं रहना चाहिए जहाँ हमें उग्रता दिखे, ज़्यादा उग्र लोग हों आसपास या फिर हर कोई उकसाने वाला ही हो तो वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। और साथ में गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और अपने जो परिवेश है उसको भी इन्हें ठंडा ही रखना चाहिए या ठंडे परिवेश में ही रहना चाहिए। तो ये सब जो पित्त के जो रोग हैं इससे समाप्त हो जाएंगे, यानी कि पित्त बैलेंस हो जाएगा और आप हमेशा पूरे जीवन पित्त को बैलेंस करके अगर जिएंगे तो पित्त के कारण होने वाले रोग नहीं होंगे और आप संतोष में आ जाएंगे, यानी कि आपकी प्रकृति सम हो जाएगी, ना ऊपर ना नीचे, इसीलिए आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहेंगी, जिसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। और हमारा सहयोग करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की जो ज्ञानवर्धक जानकारियां हैं वो पाने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, सादर।